हे गाइज, मेरा नाम आयुष है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ चौक के बारे में। गाइज, आप लोगों के पास में अगर बाइक है, स्कूटर है, उसके अंदर चौक तो होगा ही। तो गाइज, चौक का यूज़ आपको कब करना है, ये टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है, इसको क्यों काम में लिया जाता है और आपको कब काम में लेना है और कब काम में नहीं लेना है, तो इन सभी के बारे में जो है आगे इस वीडियो में मैं डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप में से कुछ व्यूवर्स के जो है क्वेश्चंस मेरे पास में इंस्टाग्राम पे और नीचे कमेंट्स बॉक्स में आए कि ये चौक का जो है यूज़ स्टार्ट हो गया है भाई, अब कोल्ड में जो है, मतलब अभी सर्दियों का मौसम आने लग गया है, ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह जो है ठंड पड़ने लग गई है और सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो हम लोग चौक का जो है यूज़ करते हैं। तो हो सकता है किसी के माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा कि ये चौक वर्क कैसे करता है, या चौक को अपन जो है ले लेते हैं या लगा देते हैं, मतलब उसको ऑन कर देते हैं तो गाड़ी ऑन हो जाती है और विदाउट चौक ऑन होने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो ऐसा क्या करता है चौक। तो आज ये डाउट जो है आप लोगों का क्लियर कर देते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं ये चौक का जो है वर्किंग वो क्या होती है। चौक जो है जनरली आपके, अगर स्कूटर है आपके पास में तो राइट साइड में जो है इग्निशन की होता है, उसके लेफ्ट साइड में जो है ये चौक प्लेस किया गया है। फोटो में आप जो है देख सकते हैं, मेरे पास में जो है एक्टिवा है, एक्सेस है, इन सभी में यहाँ पे है और ऑलमोस्ट सभी जो स्कूटर्स हैं उन सभी के जो है चौक इस तरफ जो है प्लेस किए जाते हैं। इसको अगर आप आगे की तरफ खींच लेते हैं तो ये ऑन हो जाता है, वापस आप अंदर की तरफ कर देते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। बाइक में जो है कई जगह आपको हैंडल में जो हॉर्न स्विच होता है उसके नीचे देखने को मिलता है, या कहीं साइड की तरफ आपको देखने को मिलता है, या नीचे जहाँ पे रिजर्व का या फ्यूल ऑन ऑफ का जहाँ पे बटन होता है उसके पीछे की साइड आपको जो है चौक देखने को मिलता है जनरली केसेस में, ऑलमोस्ट सभी बाइक। तो ये तो अपन ने जान ली चौक की पोजिशन, अब इसकी वर्किंग जान लेते हैं। जैसे अगर आप ठंड के मौसम में गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं या गाड़ी कुछ दिन बाद, जैसे अगर आपकी गाड़ी बंद पड़ी है 4-5-6 दिन से 10 दिन से, उसके बाद आप जनरली अगर सेल्फ लगा रहे हैं तो गाड़ी जो है स्टार्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सेल्फ लगता रहता है और गाड़ी का इंजन जो है स्टार्ट नहीं हो पाता है। रीज़न ये है कि वो कोल्ड हो चुका है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है चौक का यूज़ लिया जाता है। जनरली प्रॉब्लम जो है तब आती है जब गाड़ी या तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है या आप जिस एनवायरमेंट में हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम है, तो सुबह सुबह ये प्रॉब्लम जनरली जो है देखी जाती है। आप लोगों ने, मैंने, सभी ने फेस करी है। चौक का अगर आप जैसे लेते हैं या चौक आप आगे की तरफ खींचते हैं, चौक को एक्टिवेट करते हैं, तो उसमें होता है क्या है, जब फ्यूल और एयर का मिक्सचर होता है उसमें से एयर जो है वो बहुत कम कर दी जाती है। अगर मान लीजिए, सपोज एन एग्जांपल, अगर किसी बाइक के अंदर फ्यूल और एयर का मिक्सचर अगर 60-40 के रेशो में जा रहा है, तो जब अगर आप चौक एक्टिवेट कर देंगे तो रेशो 90-10 का हो जाएगा, एयर जो है 10% ही अंदर जाएगी और जो फ्यूल है वो 90% अंदर की तरफ जाएगा। रीजन ये है कि जब वहां पे इग्नाइट होगा तो फ्यूल जो है वो वहां पे ज्यादा अमाउंट में रहेगा और फ्यूल को आप जरा सी भी अगर एक चिंगारी लगाते हैं तो वो फटाक से बर्न हो जाता है, उसकी टेंडेंसी होती है, ये अपन सभी को पता है, अपन सभी जानते हैं इस चीज को। तो रीजन यही रहता है कि गाड़ी फटाक से चालू हो जाती है और उसके बाद में आपको कम से कम 5-10 सेकेंड उसी पोजिशन पर गाड़ी को खड़ी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने चौक लगाया, चालू करी और चलते बने, वो चीज़ हमेशा गलत होती है। ये इंजन लाइफ कम करती है, फ्यूल आपका ज़्यादा बर्न करती है, माइलेज जो है वो ड्रॉप करती है। तो हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को कि जब भी आप गाड़ी अगर चौक से स्टार्ट कर रहे हैं तो 5-10 सेकंड चौक को ऑन रहने दीजिए, गाड़ी को ऑन रहने दीजिए, उसको थोड़ा सा टेम्परेचर सेट होने दीजिए इंजन का, फिर चौक को आप बंद करें, बाइक है तो गियर लगा के और आगे बढ़ें, और अगर स्कूटर है तो गाड़ी को स्टैंड से उठा रहे या आप गाड़ी को जो है चला सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, पर चौक लगा के गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, लगभग जो है गाड़ी को 2-3 मिनट 1 किलोमीटर तक जो है कंटिन्यूसली चौक पे चलाते रहते हैं, वो चीज़ गलत होती है, वो अननेसेसरी है, आपकी गाड़ी का एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न कर रही है और इंजन के अंदर भी जो है एयर इंटेक सर्कुलेशन कम कर रही है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। इस चीज़ का प्रिकॉशंस ध्यान रखिए, ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह जो है सर्दियाँ पड़ने लग गई है तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन थी तो अच्छी बात है, नहीं थी तो आपने समझ लिए, और जिन लोगों के पास में नहीं है उन लोगों को भी अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी समझ में आ जाए, सही यूज़ पता चल जाए कि चौक का यूज़ कैसे करना है, कब करना है। सो गाइस, ये थी इन्फॉर्मेशन चौक के बारे में। अपन ने समझ लिया चौक की पोजीशन कहाँ होती है, चौक को यूज़ कब और कहाँ करना है और किस टाइम तक करना है। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आपको नीचे कमेंट करना है या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ सारे अपडेट्स भी देता रहता हूँ और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके रिप्लाई भी करता रहता हूँ। तो गाइस, ये थी कंप्लीट डिटेल। वीडियो अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई तो लाइक करके शेयर कर देना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर देना ताकि रोज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज जो है आपको मिलती रहे और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड रिव्यूज कंपैरिजन वाली वीडियो आप मिस ना करें। और गाइस, मेरी वेबसाइट है व्यवस्थित.com, जहाँ पर जाकर आप ऑटोमोबाइल से रिलेटेड टेक रिलेटेड कंटेंट रीड कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, यहाँ पे आपको दिख भी रही होगी। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल तक की वीडियो के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, हैव अ नाइस डे, और हाँ फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ।
हाँ।